हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, मासा का जो टोकन का जो एडोप है, इसकी बहुत ही अच्छी एक अपडेट आई है। वो अच्छी अपडेट क्या है, इनका जो एक डॉट सोल नेम करके एक जो एनएफटी है, जो भी मिंट करेगा उसको मासा के जो टोकन एड्रॉप मिलेंगे। तो एड्रॉप की अनाउंसमेंट क्या है, ये थोड़ा सा मैं पढ़ के बता देता हूँ, उससे आपको इजी हो जाएगा। इसमें क्लियरली शब्दों में ये लिखा है कि एड्रॉप फेज वन स्नैपशॉट एंड फेज टू एड्रॉप कॉस्ट कमिंग इन जनवरी 2020। इसमें ये बताया गया कि स्नैपशॉट है वो कब ली जाएगी मासा के जो एड्रॉप के लिए। तो एड्रॉप जो बेसिकली एड्रॉप नहीं कह सकते इसको, अगर आप एनएफटी बाय करते हो, इनका एनएफटी खरीदते हो, वो खरीदने की कॉस्ट कितनी है ये पहले बता दूं मैं आपको। ये कॉस्ट उसकी आज की डेट में $50 के आसपास है, $50 $60 के आसपास है, बिकॉज इथेरियम के ऊपर है और गैस फीस बहुत ज्यादा है इथेरियम की। लेकिन आज की डेट में गैस फीस काफी कम है। गैस फीस अगर चेक करनी हो तो गैस ट्रैकर पे जाके चेक कर सकते हो, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में /गैस लिखोगे और एंटर करोगे तो गैस फीस सामने आ जाएगी। मासा के कुछ फेस रहेंगे एयरड्रॉप के लिए। जो पहला जो फेस है एयरड्रॉप का, वो मासा अर्ली एडॉप्टर को दे रहा है। जिसको जिसने अभी ज्वाइन किया है, वो अगर अभी भी करता है तो अर्ली एयरड्रॉप में उसका नाम शामिल हो सकता है। और वो ये क्या बोलते हैं, मासा एयरड्रॉप फेज वन स्नैपशॉट। तो फेज वन का जो स्नैपशॉट है वो 31 दिसंबर 2023 11:59 पे लिया जाएगा। और जब ये स्नैपशॉट होगा उसके बाद ये लोग उसके बाद किसी भी और दूसरे को कंसीडर तो करेंगे एयरड्रॉप के लिए, लेकिन वो सेकंड में भी जो सेकंड फेज होगा उसके अंदर करेंगे। दोस्तों, मासा का जो एयरड्रॉप जो भी आएगा वो कुछ पैसे इन्वेस्ट करने के बाद मिलेगा, और अगर आप उस एड्रॉप में पार्टिसिपेट लेते हो तो उसके अंदर आपको कुछ पैसा इन्वेस्ट, मतलब $50 to $70 के आसपास आज की डेट में उसका जो प्राइस है एनएफटी का। और वो क्यों है, क्योंकि इथेरियम फ्लक्चुएटेड है इथेरियम की वजह से, ठीक है। लेकिन आज इथेरियम की गैस फीस काफी कम है, 20 GWEI है, तो उसमें अगर आप आज की डेट में करते हो तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जनरली जो वीकेंड्स होते हैं उसके अंदर, जो मॉर्निंग के टाइम इंडिया में जो भी वीकेंड्स होते हैं, सैटरडे संडे, तो मॉर्निंग के टाइम थोड़ी गैस भी हमेशा कम रहती है, तो उस दिन आप ट्राई कर सकते हो। चलो देखते हैं ये क्या मतलब मासा का एड्रॉप है। उससे पहले डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ, किसी भी तरह को कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अब ये कैसे लेना है, सिंपल शब्दों में है कि app.masa.finance/soulname में, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। इसमें क्या करना है, कनेक्ट वॉलेट करना होता है। दोस्तों, जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा वॉलेट तो स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे नेम लिखना है, कोई सा भी आप नेम लिख सकते हो। ये याद रखना कि जो नेम होगा 6 लेटर का होना चाहिए, उससे कम लेटर का जो चार्ज होगा, हो सकता है ज्यादा हो, तो 6 लेटर का जो नेम है वो लिखना है। इसके अंदर कुछ भी लिखना, जैसे यहाँ पे सोल नेम लिखा हुआ था वहां पे जो 6 लेटर का, जैसे आप कुछ भी नाम हो सकता है, ABCDEFGH करके कुछ भी आप नाम लिख सकते हो। जब उसके बाद यहाँ पे जो ईयर सिलेक्ट करना होता है, ईयर के बाद इथेरियम पेमेंट जो एसेट है इथेरियम, उसके बाद जो है यहाँ पे क्लेम यूअर सोल नेम पे क्लिक करना होगा। और उसके बाद क्लेम करने के जब सोल नेम के ऊपर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे मेटामास्क में ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी, जो है पॉपअप ओपन होगा, उसके बाद कंफर्म कर देना, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं करना। और जो सोल नेम है उसका जो ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन के ऊपर हो जाएगी, तो जब ब्लॉकचेन के ऊपर हो जाएगी तो उसके हिसाब से आपको जो एड्रॉप का जो भी जो लिस्ट आएगी उसके अंदर आपका जो जो वॉलेट जो होगा वो व्हाइट लिस्टेड होगा ऑलरेडी, ठीक है। तो ये छोटा सा जो वीडियो था, एड्रॉप अनाउंसमेंट थी मासा के बारे में। तो मासा का जो एड्रॉप अगर आपने पहले ले रखा है तो वो लकी है, और जिसने नहीं ले रखा तो भी वो भी लकी है, वो कभी भी अप्लाई कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन जो एड्रॉप होते हैं जो बुल रन के अंदर, जो टोकन मैंने ये देखा है जनरली, जो बुल रन के अंदर जो भी टोकन होते हैं वो मार्केट में बहुत महंगे लिस्ट होते हैं, और उनकी जो प्राइवेट सेल में और प्री सेल में या पब्लिक सेल में पार्टिसिपेशन भी अगर लेते हो आप लोग तो भी वो महंगे रेट पे लेना पड़ता है, क्योंकि बुल रन होता है, हर प्रोजेक्ट को भी पता होता है कि उसके टोकन है चुटकियों में बिक जाएंगे। तो इसलिए जो एयरड्रॉप होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बुल रन से पहले पहले। तो बुल रन से पहले पहले अगर किसी ने कुछ ग्रैब नहीं किया तो ये अच्छा मौका है, लेकिन बिल्कुल भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, अपने रिसर्च कर लेना उसके बाद ही इसको करना, ठीक है। कुछ भी अगर इसके बारे में और जानना हो, इस आर्टिकल को पढ़ना हो, तो मैं आर्टिकल का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो छोटा सा वीडियो था मासा एड्रॉप के ऊपर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।